मेरे पास दो पैकेजेस आया हुआ है, अभी रिसीव किया। का प्राइस है आई थिंक 59 रुपीज। इट्स फॉर 149 रुपीज। यस मैम। So hi guys, welcome or welcome back to my channel and welcome to the next episode of Living Alone Diaries. And हाँ, बहुत गर्मी है बाहर, अपडेट तो यही है अभी तक का। और मैं फ्रिज साफ करने वाली हूँ, उसके बारे में कुछ बताऊँ तो इससे पहले कि मैं ये फ्रिज का कंडीशन आपको दिखा दूँ, मैं थोड़ा सा बता दूँगी बैक स्टोरी कि जब मैं कम नली में रहती थी उस पुराने वाले घर में, तो क्या हुआ, व्हाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दैट, सी हाउ इज लुकिंग एट मी, सो जब मैंने कम नली में पहली बार शिफ्ट किया तो हम ये फ्रिज सेकेंड हैंड स्टोर से लेके आए थे। यहाँ पे बहुत सारा सेकेंड हैंड स्टोर्स मिल जाता है फर्नीचर्स का, स्पेशली फ्रिज वॉशिंग मशीन वगैरह मिल जाता है। मैंने कितने पैसे में लिया था बताए, 5000 रुपये में, दैट टाइम 5000 रुपये में लिया था। कितने साल उसके एक्चुअल ओनर ने यूज़ करके सेकेंड हैंड में बेचा था और मैंने वहाँ से उठा के ले लिया, तो इट्स बिन 4 ईयर्स ऑलरेडी एंड इट हैज़ नॉट गिवन मी इवन अ सिंगल, एक चांस भी नहीं दिया है मुझे कंप्लेंट करने के लिए। फ्रिज का कंडीशन जज मत कीजिएगा, तो बहुत डस्ट वगैरह है। इसका कंडीशन ऐसा है अभी के लिए, ख़रीदने के सिचुएशन में नहीं होना है और ये इससे काम चल जाता है, लेकिन मैंने आधा सामान तो निकाल दिया था। ऐसे देखिए, यहाँ का रात को ही मैंने स्विच ऑफ करके रखा था तो ये आइस मेल्ट हो रहा है। ये सब कुछ फेंकना है, निकालना है, ये भी आधा वगैरह होगा, फेंक देंगे, स्प्राइट फेंक देंगे। तो हाँ गाइस, मैंने यहाँ का सब शेल्फ वगैरह तो धो दिया, लाइक ट्रेज एंड ऑल, बट ये मेल्ट हो रहा है, स्टिल आइस एंड वहाँ पे ड्रॉप गिर रहा है, इसलिए मैं ये साफ नहीं कर सकती अंदर, ऐसे ओपन रख दूंगी 2-3 घंटे के लिए, बाय देन तो ये मेल्ट हो जाएगा। एक भी क्लाउड नहीं है, स्काई पूरा क्लियर ब्लू है और देखेगा, ओह माय गॉड। इस इवनिंग हो गया है और मैं से नहा धा के थोड़ा सा फ्रेश होके अब जाने वाली हूँ डी मार्ट। उससे पहले मेरे पास दो पैकेजेस आया हुआ है, अब भी रिसीव किया, दिखा दूँगी आपको। इस तो मेरा नायका का पैकेज आ गया, मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था रात को और ये आ भी गया एक ही दिन में, एक दिन ही आ गया। और दूसरा पार्सल है इधर, यहाँ पे आया है दूसरा पार्सल। मेरा सामान ये है, मैंने एक सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र ऑर्डर किया है। मॉइस्चराइज़र तो मेरा फॉरएवर वाला सेटाफिल, और सनस्क्रीन मैंने दिस टाइम डॉक्टर शेद का ऑर्डर किया है फॉर इंडियन स्किन करके, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ दिखा था इसलिए। और केसर एंड कोजिक एसिड वाला लिया, एसिड वाला बॉय ने कोजिक एसिड वाला लिया, थोड़ा पिगमेंटेशन भी हेल्प करेगा इसलिए, फेड्स पिगमेंटेशन सी एंड SPF 50++। मैंने कितना पे किया वो तो पता नहीं है, ये दोनों ऑर्डर किया था, ये मुझे फ्री में आ गया। ये है मेकअप पाउच और नायका ऑलवेज गिफ्ट देता है तो क्या करे, थैंक यू नायका, समर सेवियर्स अरे इन द नायका समर सेवियर्स। इतना थकित हो चुके हैं डी मार्ट के शॉपिंग करके, आई रिलैक्स कर रहे हैं, हाँ 2 आवर्स लगा होगा और फ्रेंड्स में इसे बैठ के रिलैक्स कर रहे हैं। डी मार्ट का सबसे अच्छा चीज़ क्या है आपको पता है, ये आइसक्रीम हो गया, ये 50 रुपीज़ है, हाँ
15 रुपीज़। ये तो बड़ा पैकेट देने लगा, नहीं तो 15 रुपीज़ वाला पैकेट मिलता था पॉपकॉर्न का। तो थिएटर में जाने से नो PVR आयनॉक्स में जो 800 900 का पॉपकॉर्न मिलता है उससे बेहतर ये अभी बड़ा वाला 35 रुपीज़ का है। बहुत टेस्टी भी बहुत ही होता है। हमारा सामान इधर है और हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं अभी और हम ऑटो करके जाएंगे। हाय गाइस, सो अभी रात के 9:30 हो गए। दिन ऐसे ही बीत गया, आई डोंट नो हाउ आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम। लेकिन मैंने ये डीमार्ट से जो शॉपिंग किया था वो भी ऐसे ही रख दिया था मैंने। थोड़ा सा चाय स्नैक्स खा के ऐसे लेट रही थी मैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा हॉल दूंगी, ओके, डीमार्ट का। तो आई स्टार्ट विथ दिस। कॉर्नफ्लेक्स लिया मैंने ब्रेकफास्ट के लिए, इजी ब्रेकफास्ट। और पास्ता भी लिया हूँ, और वो नहीं बताऊँगी, ठीक है, क्या बोलते, प्राइस नहीं बताऊँगी। मैं लाया एक छोटा सा रेड लेबल ये स्कॉच ब्राइट, नहीं सुनो ना प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब, स्कॉच ब्राइट लिया पैक ऑफ थ्री में। सौदा में मैंने लिया ये काली दाल, और ये है बेसन। मेरा घर का टी स्ट्रेनर एकदम बुरी कंडीशन में थे इसलिए मैंने ये लाया। इसका प्राइस बता सकती हूँ, हाँ ये 45 रुपीज़ है, MRP 69 है, लेकिन डीमार्ट प्राइस 45 है। बहुत अच्छा स्टडी भी है। लाया मैंने डिटर्जेंट, और मैं लाया ये फ्लोर क्लीनर, स्पार्कल है, लाइजॉल नहीं है। इसका 1 लीटर का पड़ा था मुझे 110, ये मुझे पता है 110 पड़ा था। और मैंने लाया, एक्चुअली मुझे बेडरूम के डोर के लिए कर्टन चाहिए था इसीलिए मैंने ये एक लेके आया। इसका प्राइस है 149, एंड ये 5 फीट का लिया हूँ मैं। लेटर ट्राई करेंगे। एक बाथरूम के लिए, मुझे बाथरूम से निकलने वाले डोर के लिए मुझे चाहिए था एक मैट, फुट मैट, इसीलिए ये लेके आई। इसका प्राइस है आई थिंक 59 रुपीज़। और क्या लेके आई, हाँ मेरा ना लंच बॉक्स बहुत बड़े वाले में ले जाती हूँ इसीलिए ये परफेक्ट साइज़ में ढूंढ रही थी, ये लेके आई। एक्चुअली ये 159 रुपीज़ है। ग्लास का ही मुझे पसंद आता है क्योंकि वो फूड का आफ्टर स्मेल नहीं रहता है इसलिए। और ये सब्जी के लिए ये लेके आई, तो ऐसे करके ले जाऊंगी मंडे से, आई एम सो एक्साइटेड। और क्या क्या लेके आई, हाँ चना, ब्लैक चना लेके आई, चिक पीस। और ये है मेरा शुगर, इतना ज़्यादा तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं ज़्यादा चाय वगैरह नहीं पीती हूँ दीज डेज, बट समटाइम्स चाहिए होता है इसीलिए। ऑयल पैकेट लाया है 2 ऐसे ही। और क्या लाया दूसरा, हाँ कोक ऐसे एक रख लेती हूँ। कितना हुआ था कोक नहीं पिया हुआ, मैं स्प्राइट माजा समथिंग लेती थी तो ये लेके आई। नहीं ना करो, यू जस्ट शुक दिस फोन। और ये मुझे बहुत चाहिए था, मैंने मेरे पुराने वाले घर से शिफ्ट करते हुए, नहीं छोड़ो ना प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब प्लीज़, क्योंकि नो कम हियर, कम दिस साइड, कम गुड बॉय, कम हियर। ये है मेरे प्लांट के लिए स्प्रे। और मैंने लाया ये जार, लाया है ग्लास जार, बहुत अच्छा लगता है, पहले वाला टूट गया इसलिए ये लेके आया। इसको पड़ा था 79, लास्ट टाइम जब खरीदी थी 59 रुपीज़ था, अभी 79 हो गया है। डीमार्ट भी थोड़ा थोड़ा करके कॉस्टली होता जा रहा है। ये है पास्ता एंड पिज्ज़ा सॉस, पिज्ज़ा तो घर में नहीं बनाती लेकिन पास्ता के लिए अच्छा रहता है इसीलिए। मैंने लाया एक फ्लोर क्लीनर स्क्रब है, बहुत बढ़िया है ये, वॉशरूम क्लीन करने में अच्छा रहता है। एक ये भी लाया क्योंकि बहुत सारा स्टेन वगैरह हो गया है मेरे सिल्वर के बाड़े का, इसीलिए ये यूज़ करूँगी। एक और ऑयल पैकेट और मेयो लाया, और क्या लाया, चिल्ली पाउडर ख़त्म हुआ था इसीलिए ये चिल्ली पाउडर, ईस्टर्न चिल्ली पाउडर, बाय 1 गेट 1 फ्री वाला लेके आया। और ऑलमोस्ट डन, ओके गाइस, एक बार लेके आया डिश वॉशर, ना कैसे बोलते हैं, डिश वॉशिंग बार, या ये लेके आया है। ये पास्ता 2 लेके आया था, एक आपको दिखा दिया था, ऑलमोस्ट डन। हाँ एक छोटा सा हार्पिक लेके आया, क्यूटी सा हार्पिक। एंड द लास्ट प्रोडक्ट, या द लास्ट प्रोडक्ट्स आर दीज शीट मास्क, हाँ शीट मास्क लेके आया, ये बाय 1 गेट 1 में मिलता है इसीलिए।
चार लेके आया हूँ गार्नियर का है। ये है गार्नियर का हाइड्रा बॉम, ओके, हाइलोरोनिक एसिड एंड ग्रीन टी का ये। और दूसरा है विटामिन सी या सीरम मास्क। ये है ब्राइटनेस एंड डल स्किन के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए माई स्किन नीड्स दिस सो बैड, यू नो। सो चार एक महीने के लिए। और इसी के साथ मेरा डी मार्ट का और ग्रोसरी का हॉल ख़त्म होता है। और मैं आपको बता दूँ मैंने इतना सारा सामान का कितना पे किया था, तो डी मार्ट का 2519 रुपीज़, राउंड फिगर 19 आ गया, नहीं तो 2518.52 था। तो इतना खर्चा हो गया। और चावल और ये क्या बोलते हैं, चावल आटा वगैरह मैं बाहर से लेती हूँ। तो आई सी यू गाइज इन सम टाइम। गाइज अब देखिए मेरा फ्रिज का कंडीशन, इतने अच्छे से साफ कर लिया, इधर भी पूरा ऐसे पॉलिश्ड जैसा दिख रहा है। हाँ एक बार इधर भी दिखा दो ऐसे करके, चमकदार हो गया। अब मैं थोड़ा सा सामान ऑर्गेनाइज कर दूंगी, देन हो जाएगा ये मेरा फ्रिज हो गया। अभी सामान तो नहीं है, टुमारो लेना है, क्योंकि नहीं तो ब्लिंकेट से ऑर्डर कर दूंगी। लेकिन हाँ साफ दिख रहा है अभी। यहाँ पे सिर्फ टोमेटोज है और आधा क्यूकम्बर, और यहाँ पे चिल्लीज एंड ये अभी यहाँ एग्स भी 3 है, लेकिन ऐसे रख दिया है मैंने। आई एम सो हैप्पी। देखिए मैंने डोर का कर्टन लिया था ना, वो भी ट्राई कर लिया और ये बिल्कुल फिट हुआ। एंड दिस लुक्स सो गुड, इट्स फॉर 149 रुपीज। यस एंड ये छोटी छोटी किसिया भी, वो बेडशीट लगा रखी थी, आप लोगों ने पहले वाले वीडियो में थोड़ा थोड़ा तो देखा होगा। एक्चुअली विंडोज का कर्टन धो रखी थी, अभी लगाया है ये भी। वाओ आई एम हैप्पी। एंड हियर इज माय पो। आपने कुंग फू पांडा देखा है तो मैं कुंग फू पांडा से इसका नाम रख दिया पो। हाँ गाइज इधर ही एंड करूँगी आज का वीडियो। क्या हुआ, कैसा हुआ, आप लोग मुझे बता दीजिएगा। ये था मेरा लिविंग अलोन डायरीज का एपिसोड 2, एंड आई ट्राई टू शो यू हम। एंड मैंने आपको जितना दिखा सकती थी उतना दिखा दिया है। या आई एम हैप्पी, आई डोंट नो व्हाई ऑल ऑफ अ सडन आई फील हैप्पी आफ्टर नो रिटेल थेरेपी होता है ना, लाइक पहले तो रिटेल थेरेपी मतलब अपने आप को कुछ खरीदना होता था, लाइक स्किन केयर, अपना ड्रेसेस वगैरह। आजकल घर का कुछ खरीदूँ तो बहुत अच्छा वाला फील आता है, आई डोंट नो है, यही है बुढ़ापा का साइन। एनीवेज अब मैं थोड़ा सा डिनर सिनर बना के रेस्ट कर लूँगी। इतना ही था। एंड दूसरा वीडियो भी देखते रहिएगा, थोड़ा ज़्यादा प्यार दीजिएगा, कैसे बताऊँ। हाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप नया हैं इस चैनल में तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव फन, बाय बाय। सुदीना सुब्बा साइनिंग ऑफ।